नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का आप किस YouTube चैनल किसान बदलिका में स्वागत करते हैं। किसान साथियों, आज की चर्चा का विषय बेहद खास होगा, जहां पर हम बात करेंगे सोयाबीन की एक ऐसी किस्म के बारे में जो कि इस समय लोगों की जुबान पे काफ़ी प्रचलित चल रही है। इस किस्म के नाम की बात करें तो किस्म का नाम है KDS 726। जी हाँ, KDS 726। अगर बात करें इस वैरायटी के बारे में तो इस किस्म को विकसित किया है महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र द्वारा। अगर बात करें इस किस्म में चर्चित होने की वजह के बारे में तो इस किस्म को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि इस किस्म का उत्पादन लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। हालांकि यह सरासर गलत है। वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में विस्तार में बताएंगे कि इसका उत्पादन कितना होता है। आपकी उचित जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हम आप तक सही जानकारी सही समय तक पहुंचा पाए। हम चर्चा करेंगे समयावधि, बुआई का समय, बुआई का तरीका, बीज की मात्रा, बीज उपचार, विशेषताएं और साथ ही साथ हम उत्पादन व जानेंगे इसके बीज आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें इस किस्म की समयावधि की तो यह किस्म 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें बुआई के समय की तो इसकी बुआई आप 15 जून से जुलाई के अंतिम माह तक कर सकते हैं। बात करें बुआई के तरीके की तो इसकी बुआई के लिए आप सीड ड्रिल पद्धति का ही प्रयोग करें। बात करें बीज की मात्रा की तो बीज की मात्रा आपको लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी। बात करें बीजोपचार के लिए तो बीजोपचार के लिए आप थीरम या कार्बेंडाजिम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जैसी कोई बीजोपचारक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल किसान बदलिका को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम लाते हैं सबसे पहले नई किस्मों की और सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की जानकारी। साथ ही साथ अगर आप Facebook या Instagram पर हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। इस किस्म में तेल की प्रतिशत की बात करें तो लगभग 18 से 19% तक तेल की उपस्थिति पाई गई है। इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 39% तक उपस्थित पाई गई है। यह किस्म के दाने गोल आकार में मोटे तथा चमकदार होते हैं। इस किस्म में दानों में होने वाले बैंगनी धब्बा रोग के प्रति काफी सहनशील किस्म है। साथ ही साथ जंग रोग के प्रति सहनशील है। यह किस्म कीटों के प्रति भी काफी सहनशील है। साथ ही साथ उत्पादन क्षमता में भी बहुत ही अच्छी पाई गई। बात करें इसके उत्पादन की तो लगभग 25 से 30 क्विंटल तक इसका उत्पादन पाया गया है। जी हाँ, इस किस्म का वास्तविक उत्पादन 25 से 30 क्विंटल तक पाया गया है, जो कि प्रति हेक्टेयर में है। तो आपको किसी अन्य माध्यम या YouTube के माध्यम से इस किस्म की उत्पादन की विषय में कुछ अधिक जानकारी मिल रही हो कि इसका उत्पादन लगभग 35 से 40 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर पाया गया है, जो कि सरासर गलत है। इसकी उचित जानकारी हमने विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर जाकर प्राप्त की है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बात करें इस किस्म की बुआई आप किन राज्यों में कर सकते हैं तो इस किस्म की बुआई आप दक्षिणी प्रांतों के लिए कर सकते हैं। बात करें इसके बीज आपको कहां से प्राप्त होंगे तो बीज के लिए आप कुछ प्राइवेट कंपनीज, बीज के लिए आप महात्मा फुले विद्यापीठ महाराष्ट्र द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ तमाम प्राइवेट कंपनी के माध्यम से भी आप इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं, या आप इंटरनेट की मदद से भी आप इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। अगर बीज से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में या हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। किसान साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी वाकई आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।